तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो एलन का चारिजार्ड है वो रेमो के राइपियनर को हरा देता है, जिसके बाद रेमो के पास अपना गार्चोम बचता है तो वो अपने गार्चोम को बैटलफील्ड में भेज देता है। और बैटलफील्ड में जैसे ही वो अपने गार्चोम को भेजता है वो सीधा से ही अपने गार्चोम को मेगा इवॉल्व कर देता है ताकि वो एलन के चारिजार्ड को हरा सके। और इतने में ही वहीं जो रेमो का गार्चोम है वो ड्रैको मीटर का यूज़ करता है जिससे एलन का चारिजार्ड बच जाता है। और उसके बाद जो एलन है वो भी अपने चारिजार्ड को मेगा चारिजार्ड में बना देता है। और इसी तरीके से मेगा गार्चोम और मेगा जो चारिजार्ड है उन दोनों के बीच घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो एक दूसरे पे अटैक किए जाते हैं। बट बैटल के एंड में जो दोनों हैं वो एक दूसरे पे ड्रैगन ब्लो पर अटैक करते हैं, बट एलन का चारिजार्ड इतना ज़्यादा ओवर पावर होता है कि वो उसी अटैक से जो मेगा गार्चोम उसको हरा देता है। इसी के साथ जो रेमो है वो इस मैच से बाहर हो जाता है और इस पूरी फाइनल सीरीज से, और जो विनर है वो एलन हो जाता है। और इसी मैच के बाद नेक्स्ट मैच जो होने वाला होता है वो होता है मोस्ट अवेटेड मैच, जिसमें पूरे ऑडियंस से देखिए जो हमारे जजेस होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर सिकामोर और चैंपियन डायंटा है, वो भी इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये जो मैच है ये होने वाला होता है एश केचम और सॉयर के बीच, जो कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही सही एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट थे। तो इसी के बाद उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और जो एश है वो अपने पहले पोकेमोन के हालूचा को भेजता है, जिसमें हालूचा ने जो है वो एक केप पहनी होती है जो कि उसको पिछली ही रात सेलिना ने बना के दी थी ताकि उसकी जो एंटल्स है वो धमाकेदार हो। तो वहीं दूसरी तरफ जो सॉयर है वो इस बैटल में भेजता है अपने स्लॉकिंग को, जिसके बाद जो एश है वो अपने हालूचा को कराटे चॉप यूज़ करने के लिए कहता है, बट उसका स्लॉकिंग पे कोई असर नहीं होता। तो इसके बाद जो एश है वो हालूचा को हाई जंप किक का यूज़ करने के लिए कहता है, बट उससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। और जो हालूचा है वो इसी के बाद अटैक करता रहता है, बट जो स्लॉकिंग है उस पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। और जो एश है उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, बट ऐसा एश को लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्लॉकिंग है उसको थोड़ा थोड़ा डैमेज हो ही रहा होता है, और जितने में एश नोटिस करता है उसी पे जो सॉयर है वो अपने स्लॉकिंग को स्लैक ऑफ अटैक का करने के लिए कहता है, जिससे कि वो रिलैक्स करके अपनी जो पूरी पावर है पूरी स्ट्रेंथ है उसको दोबारा रिकवर कर लेता है। इसके बाद जो एश है वो अपने आलोचा को दोबारा अटैक करने के लिए कहता है, और जो आलोचा है वो फिर से उस पर रैंडम अटैक करता है, बट जैसे ही जो आलोचा है वो अपना फाइनल अटैक एक्सेसर यूज करने जाता है तभी जो सर का स्लैकिंग है वो तभी काउंटर का यूज कर देता है, जिससे कि वो आलोचा को एक बहुत ही तगड़ा डैमेज दे देता है और जो आलोचा है उसको इससे बहुत सही सीरियस हिट लगता है और वो इस मैच से बाहर हो जाता है और इस राउंड का विनर सॉयर बन जाता है। जिसके बाद जो सॉयर है वो बताता है कि उसने एश के फाइटिंग स्टाइल उसके पोकेमॉन पर बहुत रिसर्च किया और उनके काउंटर पोकेमोन भी ढूंढे जिससे कि वो उनके पोकेमोन से इजीली जीत पाए, और ऐसे ही उसने हालूचा के केस में भी किया, जिस पे एज जो है वो सॉयर की स्ट्रैटेजी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। और उसी के बाद वो अपना नेक्स्ट पोकेमोन टैलेंट फ्लेम को चुनता है और उसको स्टार्टिंग में स्टील विंग का यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे कि वो स्लैकिंग को हिट तो कर देता है, बट उसी के बाद जो सॉयर का स्लैकिंग है वो दोबारा से स्लैक ऑफ का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा रिकवर कर लेता है। जिसके बाद जो एश है वो अपने टैलेंट फ्लेम को फ्लेम चार्ज का यूज़ करने के लिए कहता है, और उसी पे जो सॉयर है वो अपने स्लैकिंग को हैमर आर्म को यूज़ करने के लिए कहता है, बट जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है जो स्लैकिंग का लेफ्ट लेग है उस पर स्लैकिंग को हालूचा की तरफ से डैमेज पड़ा होता है, तो वो उसके डिसबैलेंस से उसका जो अटैक है वो अच्छे से टैलेंट फ्लेम को हिट नहीं कर पाता। और उसी के बाद जो टैलेंट फ्लेम है वो ब्रेव बट का यूज़ करके जो स्लैकिंग है उसको इस मैच से बाहर कर देता है, और इस राउंड का विनर एश केचम हो जाता है। जिसके बाद जो सॉयर है वो अपने नेक्स्ट पोकेमोन क्लॉविट्जर को भेजता है, और क्लॉविट्जर को भेजते ही वो उसको एक्वा जेट का यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे कि वो टैलेंट फ्लेम के पीछे अटैक करने निकल जाता है। और ऐसे ऐसे करते ही उन दोनों के बीच की बैटल फिर स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड फाइनल में जब टैलेंट फ्लेम जो है वो फ्लेम चार्ज का यूज़ करता है और जो क्लॉविट्जर है वो एक्वा जेट का यूज़ करता है, उनके बीच एक टक्कर होती है जिससे ऑब्वियसली जो एडवांटेज थी वो क्लॉविट्जर के बेस पे थी, तो इसी वजह से वो टैलेंट फ्लेम को हरा देता है और इस राउंड का विनर क्लॉविट्जर यानी सॉयर बन जाता है। जिसके बाद जो सारे होते हैं वो सॉयर को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि उसने एश के डिफेंस में इतनी तगड़ी स्ट्रैटेजी बना के रखी है ताकि वो उस एश को यहाँ हरा सके, बट फिर भी जो सेलिना और क्लेमेंट है उसको भरोसा होता है कि ये जो मैच है वो एश ही जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम रॉकेट है जो बेस बदल के कैमरामैन बनी होती है वो भी इस मैच में नज़र रख रही होती है, और उसी के बाद जो एश है वो अपने नेक्स्ट पोकेमोन के सोच ही रहा होता है कि तभी उसको आइडिया आता है और वो अपने पिकाचू को इस मैच में भेज देता है। और बैटल में जाते के साथ ही जो पिकाचू है वो सबसे पहले फॉरेस्ट से कवर लेता है, और उसके बाद एकदम से क्लॉविट्जर पे थंडरबोल्ट का अटैक करता है, इससे क्लॉविट्जर जो है बट उससे बच जाता है, और उसी के बाद जो पिकाचू है फिर से क्विक अटैक का यूज़ करता है और जो क्लॉविट्जर वो इससे भी बच जाता है। ऐसे ही करते करते उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है, कभी क्लॉविट्जर अपने एक्वा जेट का यूज़ करता है तो कभी पिकाचू अपने क्विक अटैक का, और उन दोनों की बैटल वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। और उसी के बीच जो पिकाचू है वो क्लॉविट्जर पे आयरन टेन का यूज़ करने जा ही रहा होता है कि क्लॉविट्जर जो है वो उसको अपने पंजे से पकड़ ले, और उसी के बाद क्लॉविट्जर जो है वो अपना अटैक करने ही वाला होता है कि एज जो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोबॉल का यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे कि वो क्लॉविट्जर को एक डैमेज भी दे देता है और उसकी पकड़ से भी निकल जाता है। और उसी के बाद एकदम से जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का अटैक करता है जिससे कि क्लॉविट्जर को एक बहुत सही हिट लगता है और क्लॉविट्जर इस मैच से बाहर हो जाता है, और इस राउंड का विनर बन जाता है पिकाचू यानी एश केचम। इसके बाद वहाँ मैच में जो भी ऑडियंस होते हैं और जो हमारे जजेस होते हैं प्रोफेसर सिकामोर और चैंपियन डायंटा, वो इस मैच को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो
कि मैच है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होता है। वहीं जो एलन होता है वो भी ऐश की इस बैटल को देख रहा होता है। उसके बाद जो ऐश है वो सर से पूछता है वो अपना नेक्स्ट पोकेमोन किसे भेजेगा, और इसी पे जो सर है वो भेजता है अपने एज स्लैश को। इसके बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को फिर से जंगल में छुपने के लिए कहता है ताकि वो उसका एडवांटेज दे सके, बट उसी पे जो सर है वो अपने एज स्लैश को कमांड करता है कि वो वहाँ के सारे जो पेड़ हैं उनको काट दे, और इसी से वो उस बैटल फील्ड को एकदम खाली कर देता है। और इतने में ही उनकी बैटल आगे बढ़ने से पहले ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।